मारूफ आलमुद्दीन मुफ्ती तकी उस्मानी यौम आज़ादी की सरकारी तकरीब में ख़वातीन और मर्दों के रक्स पर बरहम हो गए। तफसीलात के मुताबिक 14 अगस्त को पाकिस्तान का 75वां जश्न आज़ादी मनाया गया। इस मौके पर इस्लामाबाद में जना कन्वेंशन सेंटर में परचम कुशाई की मरकज़ी तकरीब मुनाकिद की गई। तकरीब की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें रक्स मौजूद था। यौम आज़ादी की सरकारी तकरीब में मर्द ख़वातीन के रक्स पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। मुफ्ती तकी उस्मानी भी यौम आज़ादी की सरकारी तकरीब में ख़वातीन और मर्दों के रक्स पर बरहम हो गए। इसी हवाले से मुफ्ती तकी उस्मानी ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि यौम आज़ादी मुबारक, लेकिन इसकी सरकारी तकरीब में मर्द ज़न का मखलूत और हयासोज़ रक्स कौम के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि क्या इस तरह अल्लाह ताला की तरफ से बरकतें नाजिल होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 68 साल बाद हमारे कौमी तराने के अजीम अल्फाज और साज नए अंदाज में कौम की आवाज़ बनने जा रहे हैं। इस खूबसूरत पेशकश और तारीखी लम्हात को पाकिस्तानी कौम के नाम करते हैं।